अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपका फिर इस्तकबाल करता हूँ अल रज़ा मैथमेटिक क्लासेस में। हम 12 जमात मैथ से करंट चैप्टर फर्स्ट डिफरेंशिएशन देख रहे हैं। आज का हमारा नुकात है लॉगरिथम पर और एक्सरसाइज 1.1 के कुछ एग्जांपल्स। तो लॉगरिथम के जब्ते आपके पास मौजूद है, सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लॉग ऑफ बेस ए आपने 9th में सीखा हुआ है इनका इस्तेमाल, और यहाँ पर जो एम और एन है यह हमारे किसी इक्वेशन का काम करती है। एम और एन यहाँ पर जो भी है एम एन ये जो है इक्वेशन का काम करती है। तो आइए हम एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास हल करदा मिसाल में चार एग्जांपल दी हुई जो लॉग की मदद से सॉल्व की गई है। आज हम इसमें कोई दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं, तो हम एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 किस तरह से सॉल्व की गई। तो देखिए यहाँ पर वाई इजिकल टू लॉग ऑफ बेस 3 इन ब्रैकेट लॉग ऑफ 5 बेस। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डबल लॉग लगा हुआ है। आप देखिए यहाँ पर लॉग ऑफ ए लॉग ऑफ बेस ऑफ ए एम इजिकल टू लॉग ऑफ बेस बी एम अपॉन लॉग ऑफ बेस ऑफ बी ए। अब यहाँ पर एम और ए का काम कौन कर रहा है, तो लॉग ऑफ एम एम मीन्स देख सॉरी ए मीन्स फाइव और एक्स मीन्स एम। लॉग एज इट इज जैसा है ये कॉन्स्टेंट वैसा ही रहेगा। तो हम यहाँ पर इन ब्रैकेट के अंदर जो मौजूद है इसे हम इस ज़ाब्ते की मदद से सिंपलीफाई करेंगे। तो सबसे पहले लॉग ऑफ 3 एज इट इज जैसा है वैसी और अंदर जो मौजूद है इसे हमें सिंपलीफाई इस ज़ाब्ते से करना है। तो देखिए हमने सिंपलीफाई किए, लॉग ऑफ बेस 3 एज इट इज जैसा है वैसी रहेगा। आप देख रहे हैं लॉग ऑफ एक्स एक्स मीन्स यानी क्या एम यहाँ पर आपने देखा, और a मीन्स 5 यहाँ पर हमने इस तरह से लिखा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर हमारे पास log ऑफ बेस a m अपॉन n इस जब्ते की तरह देखिए। आइए फिर अब हम और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किए, आप देख रहे हैं log ऑफ a m m मीन्स यानी क्या log ऑफ x और n मीन्स यानी क्या log ऑफ 5। तो हमने सिंप्लीफाई की, फिर दोबारा से यहाँ पर हमारे पास और एक सिंप्लीफाई आया इनटू वाला इस तरह से। तो हमने यहाँ पर log ऑफ 3 log ऑफ x जैसा कि हमने पहले लिखा हुआ था इस तरह से हमने यहाँ पर लिखे। देखिए ये वाला ये सेम है, तो इसे हम कैसा लिख सकते log ऑफ x अपॉन log ऑफ 3 इस तरह से। आइए अब हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप किस तरह से हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो सबसे पहले पूरी इक्वेशन हम लिखते हैं। अब सबसे पहले देखिए अपॉन में क्या है log ऑफ 3 यानी 1 अपॉन log ऑफ 3 हम बेस कॉन्स्टेंट वैल्यू है जो हम इसे बाहर निकालते हैं। देखिए हमने निकाला, अब यहाँ पर अंदर जो मौजूद है ब्रैकेट में log ऑफ x माइनस log ऑफ बेस log 3। आइए यहाँ पर log ये log x मीन्स यानी क्या x यानी log x क्या होता है 1 अपॉन x। अब उसके बाद अंदर वाले का हम क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। अब आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास x की कोई टर्म मौजूद नहीं है और हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये हमारी कौन सी वैल्यू है कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसलिए इसका आंसर 0। अब ये दोनों एज इट इज जैसा है वैसे ही रहेगा। अब log x मीन्स यानी क्या 1 अपॉन x, तो हमारा फाइनल आंसर इस तरह से। आइए अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। दूसरी एग्जांपल log ऑफ अपॉन में है हमारे पास m अपॉन n इस तरह से। आइए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये e पावर ऑफ 3x ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पर लिखे पहला माइनस इस तरह से, तो यहाँ पर माइनस का इस्तेमाल हमने किए, यहाँ पर हमने इन ब्रैकेट को ओपन कर डाला। आपको पता है अच्छी तरह से 1/3 हम लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि पहला वाला जो सेक्शन है ये इसे हम इस तरह से सिंपलीफाई कर सकते हैं, कौन से जब्ते की मदद से log ऑफ m इंटू एन के जब्ते से, यानी e यहाँ पर हमारा e पावर ऑफ 3x कौन है m है, बाकी आप देख रहे हैं एज इट इज जैसा है वैसा। लेकिन log ऑफ
ई जो होता है ये होता है वन, क्या होता है वन होता है, इसलिए उसकी जो पावर है 3x एज इट इज जैसी है वैसी रहेंगी। बाकी अब यहाँ पर लॉग में क्या होगा कि 2/3 हम नीचे उतारेंगे, जब लॉग हम इस्तेमाल करते हैं तो 2/3 और बाकी जैसा है वैसा, यहाँ पर भी हम -1/3 नीचे उतारेंगे, ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई। अब हम यहाँ से डेरिवेटिव्स दे सकते हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देख रहे हैं एक्स वाली टर्म मैंने बहुत इजी तरीके से इसको डिफरेंशिएट किया हूँ, यहाँ पर आपको अच्छी तरह से पता है ये हो जाएगा हमारा वन, देखिए यहाँ पर वन हो गया और 2/3 कॉन्स्टेंट वैल्यू है इसलिए मैंने इनको एक साथ लिख दिया। अब यहाँ पर लॉग दिया हुआ है तो क्या होगा हमारा 1/3x-4। अब अंदर वाले को हमको डिफरेंशिएट करना है, इन ब्रैकेट -1/3 कॉन्स्टेंट वैल्यू है लॉग ऑफ 1/2x+5। अब अंदर वाला डिफरेंशिएट होगा तो देखिए जिसको हमें डिफरेंशिएट नहीं करना है वो हम एज इट इज़ लिखते हैं, ये दो सेक्शन को हमको डिफरेंशिएट नहीं करना है, डिफरेंशिएट बस इसे करना है। तो यहाँ पर x मौजूद है, यहाँ पर भी x मौजूद है, इसलिए यहाँ पर क्या आंसर आएगा हमारा 3 और यहाँ पर 2। अब इसके बाद ये 3 और ये 3 कैंसल, क्यू डॉट आपको दिखाई दे रहा है मल्टीप्लाई में, एक मल्टीप्लाई में और एक डिवाइडेशन में। अब ये 2 1 के साथ ज़र्ब हो जाएगा, ये +3 एज इट इज जैसा है वैसी रहेगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा इस तरह से, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आइए अब हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें पहले 6 एग्जांपल्स सॉल्व करनी है। तो पहली एग्जांपल्स आप कर सकते हैं एक्स पावर ऑफ एन से, पहली दूसरी और तीसरी एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए कि अब हमारे पास सवाल नंबर 4 से हम इसकी शुरुआत करते हैं, सवाल नंबर 4 को जिस तरह से अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर हमने डिफरेंशिएट इन रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर हमने वाई दिया dy/dx, आप अच्छी तरह जानते हैं पहले वाई को हमको डिफरेंशिएट करना है। अब ये जो पूरी इक्वेशन है अंडर रूट के अंदर ये पूरा सेक्शन आता है, आइए हम पहले डेरिवेटिव्स में से लिख लेते हैं इस तरह से। याद रखिए बड़े वाले अंडर रूट में ये मौजूद है, तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि अंडर रूट ऑफ एक्स क्या होता है 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स, तो हमारा पहला आ गया। अब इस बड़े अंडर रूट में कौन कौन मौजूद है, एक्स स्क्वायर प्लस और ये वाला छोटा अंडर रूट। अब हम सबको सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव्स करेंगे, इन ब्रैकेट के अंदर करते हैं हम, देखिए हमने इन्हें भी डेरिवेटिव्स किया। अब ये पार्ट आपको पता है एज इट इज जैसा है वैसे ही रहेगा। अब ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर यानी 2x प्लस एज इट इज जैसा है वैसे, आपको पता है अंडर रूट जिस तरह से हमने यहाँ लिखा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर दोबारा से एज इट इज जैसा है वैसे 2x जो कॉन्स्टेंट वैल्यू हमारी, अब यहाँ पर हमारा आंसर ओनली 2x रहेगा। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, लेकिन अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। क्यों करेंगे सिंप्लीफाई, क्योंकि यहाँ पर इनटू दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है इनटू दिया हुआ है, इस वजह से हमें इसे सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। तो आप देखिए इन ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 2x तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, या ये सॉरी ये 2 और ये 2 हम कैंसिल कर देते क्योंकि एक मल्टीप्लाई में और एक डिवाइडेशन में, देखिए हमने कैंसिल कर दिए। अब इन ब्रैकेट के अंदर आपको कसर दिखाई दे रही है, ये पहली वाली कसर है और इसे कसर बनाने के लिए हमें क्या करना है डिवाइडेशन में 1 लगाना, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और लास्ट में इन दोनों हमने कसरों में ये सिखा हुआ है। तो पहले वाला जो सेक्शन है हमारा वाई जेड इज रहेगा, देखिए जिस तरह से हमने यहाँ लिखे, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते, देखिए 2x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, यानी 1 के साथ अगर x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x ही आएगा अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ऊपर ऊपर वालों की जर नीचे नीचे वालों की जर, तो हमारा फाइनल आंसर
इस तरह से रहेगा, राइट। आइए अब हम एग्जांपल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 5 हमें पहले उसको सिंपलीफाई करना है कि सिंपलीफाई में से किस तरह से करते हैं। देखिए बहुत इजी मिसाल है, हमने कॉन्स्टेंट वैल्यू निकाल दिए 3/5। अब यहाँ पर हमने क्या किया तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर एक्स पावर ऑफ 5, देखिए इस तरह से एक्स पावर ऑफ 5 है और ये अंडर रूट में मौजूद है, तो हम अंडर रूट की वैल्यू को 1/3 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्यूब दिया हुआ है और क्यूब क्या 1/3 लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि 5 और 1 की मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 5 एक 5, यहाँ पर आप देख रहे हैं अपॉन में 3 एजेड जैसे कि और x जैसा है वैसे, तो हमने इस बेस पर हमने इसे यहाँ पर लिखा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि नीचे से अगर कोई वैल्यू का अगर हम ऊपर लेकर जाते हैं, यह हमारा अपॉन में ये जवाब हमारा रहेगा तकसीमी सूरत में, जब हम इसे ऊपर ले जाते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव वैल्यू रहती है पावर की वो माइनस में हो जाती है। तब हम यहाँ पर इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यू हमने बाहर निकाल दिए इस तरह से dy/dx। अब यहाँ पर पावर है, पावर को आप नीचे उतारिए इस तरह से अंदर। अब जब माइनस फाइव आपको कसरे सॉल्व करते आती है अपॉन 3 × −1, तो ये हो जाएगा 3 × 3, यानी −3 और −5 कितना हो जाता है 8/3, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर हमारा सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएट हो चुका है, अब बारी किसकी है इन ब्रैकेट की। यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 मल्टीप्लाई में है, सॉरी डिवाइडेशन में, और ऊपर एक मल्टीप्लाई में, सेम टू सेम यहाँ पर भी यही है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास कौन सी अलामत बची, माइनस की, तो ये माइनस की अलामत इस ब्रैकेट के साथ रहेंगी। देखिए यहाँ पर अब अंदर वाले का डिफरेंशिएट करना, तो डिफरेंशिएट हमारा इतने सेक्शन का होगा, तो हम 2 नीचे उतरते हैं, 2 × 2 = 4 हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा −7 इस तरह से। आइए फिर हम वापस से दोबारा, आप देख रहे हैं माइनस में, इसको अपॉन की शक्लों में लिखना है इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आइए इसके बाद हम सवाल नंबर 6